तो आज यहाँ पर हमारे सभी जो प्रभारी लगे हैं उनकी मीटिंग थी, तो यहाँ पर कैंपेन के बारे में डिस्कशन हुआ, उनको एजेंडा दिया गया है कि कैसे कैंपेन करना है, क्या क्या करना है। तो अगले 15 दिन का मॉड्यूल जो है, जो काम है, कैंपेन है, इनसे डिस्कस किए हैं। अब सारे अपने अपने विधानसभा में लग के एक एक गाँव में जाकर कैंपेन करेंगे और पूरी ताकत से जनता को ये बताएंगे कि सारी पार्टियों को हरियाणा की जनता ने बार बार मौका दिया है, एक बार अरविंद केजरीवाल जी को मौका दे दीजिए। अगर वो आपके लिए अच्छा काम करेंगे तो आगे आप वोट देना, अगर आपको लगे कि वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो आगे वोट मत देना। जो अरविंद केजरीवाल अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है, अपना सारा जीवन उसने ईमानदारी से जिया है, सारी नौकरियां छोड़ दी, सरकार को एक बार ही छोड़ दिया, ऐसे अरविंद केजरीवाल पे एक लांछन लगा है। लांछन क्या है कि इन्होंने घोटाला करके बेईमानी करी है। कोई भी ईमानदार आदमी इस देश का ये कैसे बर्दाश्त करेगा उस पे जो लांछन लगा है। तो अरविंद केजरीवाल को सत्ता का मोह नहीं है, अरविंद केजरीवाल को अपनी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी है। तो उन्होंने ये तय किया है कि वो अग्नि परीक्षा से गुजरेंगे, अग्नि परीक्षा के रूप में वो जनता के बीच में जाएंगे, जनता तय करेगी अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार है या बेईमान है। अगर तो जनता को लगता है वो ईमानदार है तो उनको वोट दे देंगे, अगर जनता को लगता है वो बेईमान है तो फिर वोट नहीं देंगे। और केजरीवाल जी मुख्यमंत्री का पद तभी लेंगे जब जनता कहेगी उनको और ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे देगी। तो वो अग्नि परीक्षा के लिए उन्होंने ये रिजाइन किया।